Target Neat Biology with Professor B's Positive Way. मेरे प्यारे दोस्तों, Exploring Biology for Neat Exam इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बायोलॉजी इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है हमारे लिए पुस्तकों का निर्धारण करना, कौन से बुक फर्स्ट होनी चाहिए, कौन से बुक का प्रेफरेंस सेकंड होना चाहिए और ये बुक सिलेक्शन किस फैक्टर के ऊपर काम करता है, व्हिच फैक्टर वी शुड कंसीडर। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी लूसिड वे विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। तो दोस्तों, ये बायोलॉजी इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस होता है, सर कौन से बुक सबसे अच्छे होते हैं, कैन वी हैव सम स्ट्रेटेजी, इस बुक में एक्सलेंट बुक ही वर्कआउट कर सकते हैं या कुछ एवरेज या कुछ गुड बुक्स हमारे लिए भी एक मददगार साबित हो सकते हैं। एवरीथिंग विल गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वीडियो। डेफिनेटली कुछ बुक तो हमारे लिए एक्सलेंट होते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के लिए बॉटनी का अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 45% आप क्वेश्चंस देखो तो बॉटनी से आते हैं। अगर 45 क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हो तो ऑलमोस्ट ये हमारे लिए जूलॉजी सेक्शन से आते हैं, मींस ऑलमोस्ट मोर देन द 90 क्वेश्चंस की अगर बात कर लेते हैं तो वी हैव द 180 जो हमारे लिए टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। और टोटल मार्क्स अगर हम देखते हैं तो आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस में 19 क्वेश्चंस हमारे लिए बायोलॉजी कैरी करता है और मार्क्स हम देखते हैं तो 360 मार्क्स होते हैं, ऑलमोस्ट 50% ये वेटेज तो बायोलॉजी लेता है। अगर बायोलॉजी इतना वेटेज लेता है तो हमारी बुक का सिलेक्शन भी इतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो आज आपके साथ मैं यही शेयर करने वाला हूँ, एट द एंड जो नंबर ऑफ जंक ऑफ बुक्स आपको रेफरेंस बुक्स है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप नीट बायोलॉजी को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है तो भी हमारे लिए सिलेक्शंस एक्सलेंट बुक तो होना चाहिए। एट द सेम टाइम्स हमारे यहाँ पे कुछ बुक इस तरह से होनी चाहिए कि एटलीस्ट वी कैन बी कंसीडर ये गुड बुक है, कुछ सेक्शंस के लिए, कुछ टॉपिक के लिए, मे बी रिप्रोडक्शन के लिए होगा, मे बी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए होगा और मे बी वी कैन बी से फॉर एम्ब्रियोलॉजी के लिए होगा। एट द सेम टाइम्स कुछ बुक होते हैं वह एवरेज होते हैं, तो इस तरह से हम बुक को देख लेंगे कि कब कौन सा बुक एक्सटेंड होता है, कब उसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो विच फैक्टर्स विल गोइंग टू बी कंसीडर्ड, सर कौन से फैक्टर्स होने चाहिए हमें बुक अगर हम चॉइस करते हैं तो फर्स्ट हमारा फैक्टर यही होना चाहिए कि अगर उस बुक में जो भी कंसेप्ट दिया हुआ है वो क्लियरली और वेरी कंसाइजली उसे समझा गया, maybe with the help of the flow diagrams होगी, maybe with the help of the example होगी, ये हमारे लिए first basic concept होना चाहिए। ये इसलिए कि most of the question biology में they are the एक basic या हम कहेंगे कि foundation के questions के ऊपर workout करता है। Next questions होता है कि वो point, वो books हम prefer करेंगे जिस books में syllabus तो mentions किया हुआ है according to the NEET exam। At the same times, ये जो भी यहाँ पे expansion देते हैं अपने point का या उसके नीचे दिए हुए explanation का, it must have a strategy जो हमारे NEET exam में जो questions आते हैं उसको solve करने के लिए वो strategy काम करनी चाहिए। Next most importance होता है किसी भी questions को, किसी भी books को अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो it should give me the idea, कुछ तो idea देना चाहिए कि ये books में sir time management के बारे में हमें कुछ logic देता है। अगर कुछ logic का मतलब क्या होता है, अगर हम reproduction पढ़ते हैं तो reproduction में कुछ enzyme किस तरह से workout करते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से काम करता है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट के साथ मुझे अच्छी तरह से याद करने की एक लॉजिकल हम कहेंगे टेस्टिंग देता है या लॉजिकल मेथड देता है तो वो बुक मेरे लिए मोस्ट प्रेफरेंस बुक होना चाहिए। अगर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हम बायोलॉजी सेक्शंस को अच्छे मार्क्स अंक मिलना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स को हम क्रैक करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो बुक लॉट ऑफ डायग्राम्स होनी चाहिए। यस,
लॉट ऑफ डायग्राम तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन लॉट ऑफ डायग्राम के साथ उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, वो डायग्राम में भी मुझे कंसेप्ट समझने आना चाहिए। तो अगर ये चारों फैक्टर जिस बुक्स में होते हैं, वो बुक्स मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है। वैसे मैं रिपीट करता हूँ, जो बुक्स मुझे बेसिक कंसेप्ट वेरी क्लियरली और लूसी लैंग्वेज में प्रदान करता है, जिस बुक्स में एनटी नीट एग्जाम की तरह क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी दी जाती है वेरी सिंपलेस्ट वे, और सबसे इम्पोर्टेंस होता है, अगर ये बुक्स पढ़ते वक्त मुझे समझ में आता है कि कुछ लॉजिकल ट्रिक्स है उसी को मैं याद कर सकूं, और लास्ट इम्पोर्टेंस फैक्टर्स होता है बुक्स चूज करने के लिए, वो बुक्स फुल्ली डायग्राम होनी चाहिए या फुल्ली उसको फ्लो डायग्राम भी होना चाहिए। इसी सभी फैक्टर्स को अगर मैं पिक्चर्स में रखता हूँ तो जो फर्स्ट चॉइस आती है और बेस्ट चॉइस जो आती है हमारे लिए एनसीईआरटी की बुक्स जो कक्षा 11 के लिए है और कक्षा 12 के लिए, इट इज कंसिडर्ड एज द बाइबल। आप उसे भगवद गीता भी कह सकते हो, आप उसे कुरान भी कह सकते हो, आप उसे सैक्रेड बुक भी कह सकते हो। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड और 12th के बुक्स इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं? अगर हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर ये 19 क्वेश्चंस हम देखते हैं तो आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस या आउट ऑफ जो 360 मार्क्स होते हैं ना, उनमें से एनसीईआरटी के लिए जो वेटेज होता है इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 50%। तो अगर 50% मार्क्स या क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से आते हैं तो डेफिनेटली विद ब्लाइंड आई मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे लिए एनसीईआरटी बुक्स फर्स्ट रेफरेंस बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स में फर्स्ट रेफर करता हूँ वो भी क्लास 11th और 12th के लिए, देन आई कैन गो फॉर द रेफरेंस बुक। तो व्हाई एनसीईआरटी? जिस तरह से फैक्टर्स हमने देखे, जहाँ क्लियर और कंसाइज एक्सप्लेनेशन होता है, एनसीईआरटी के ये दोनों बुक्स ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने वेरी क्लियरली डायग्राम के साथ आपको हर एक कंसेप्ट को, मूल कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हर एक टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का नीट एग्जाम में नहीं होता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है नीट एग्जाम के लिए वो अच्छी तरह से इट इज दी हम कहेंगे कि उसको एक्सटेंसिव फॉर्म में आपको ये दोनों बुक में कवर किया हुआ है, दैट इज वन थिंग। तो हम ओनली नीट एग्जाम की तैयारी के साथ, हमारे लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इतनी इम्पोर्टेंस होती है, तो ये दोनों बुक्स simultaneously we can be used for the board examinations also, at the same time CNET or other allied examinations also. Next point होता है, यहाँ जो भी आपको in between knowledge gap दिया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं, after the point explanation they give the example, we have some activity, in the same corner they give the some knowledge related fact about the same thing. तो ये सबसे एक advantage चीज होती है कि it tries best way to explore, students should explore the extra knowledge related topic from the other books, maybe internet sources or other thing. So, these NCERT books choice karne ke factors hote hain. So, my dear friends, very clearly humne mentions kiya, hum NEET biology ko crack karna chahte hain. So, first and the most of book hamare liye NCERT ke class 11 aur class 12 ke honi chahiye. Kyun honi chahiye? Ye point bhi humne mentions kiya. उसके साथ ये बुक्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट होने के बाद, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारे लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन दिए जाते हैं, जिसे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक्स भी कहते हैं। अगर आप मार्केट में चले जाते हो ना तो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको नंबर ऑफ पब्लिकेशन के ये एग्जाम्पल बुक्स मिलेंगे। तो भी आई मोस्टली रिकमेंड ये अरियंत पब्लिकेशंस के, जो भी बायोलॉजी के लिए दोनों के लिए स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12 के लिए एटलीस्ट दे ट्राइड देयर बेस्ट वे टू हैव द गुड एक्सप्लेनेशन, समवेयर देयर इज नीड दे हैव द फ्लो डायग्राम्स आल्सो, और उन्होंने जो अंडरलाइन कंसेप्ट दिया है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रेफरेंस बुक यू कैन गो फॉर दी दिस एग्जाम्पलरी बुक्स। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं मे बी जेनेटिक्स के ऊपर, तो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ उसको अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ। तो ये हमारा सेकंड प्रेफरेंस बुक होगा एनसीईआरटी के बाद। नेक्स्ट आता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स वेदर वी गो फॉर द अदर मार्केटेड बुक, जो पूरा मार्केट एनसीईआरटी के बुक के बाद आपको नंबर ऑफ बुक्स मिलते हैं, नंबर ऑफ पब्लिकेशन मिलते हैं और हर एक बुक आपको अट्रैक्टिव लगता है। दो
This is the list of the books we are going to check out in the later slides also, but it is totally depend upon the जो भी expert का advice था, जो भी topper लोग थे, उन्होंने जो recommendation किया है NCERT books के बाद, ये हमने यहाँ पे जरूर mention किए। तो first part आता है कि सर हमने तो NCERT books को अभी तक पूरी अच्छी तरह से उसको solve लिया, basic concept yes definitely हमने check कर लिए। Next part आता है, अगर NCERT के books आपको complete हो जाते हैं, उसका जो basic concept है आपको clearly understand हो जाता है, तो we'll go for the more complex study। एक complex study का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी concept को आप just समझ लो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि negative feedback mechanism। ये देखो, ये negative feedback mechanism आपको reproduction chapter में जरूर समझाया होगा। लेकिन अगर हम कुछ रेफरेंस बुक प्रिपेयर करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बुक प्रिपेयर करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि दे गिव नंबर ऑफ फैक्टर्स, दे गिव द नंबर ऑफ डायग्राम, नंबर ऑफ द एग्जांपल रिगार्डिंग द फीडबैक मैकेनिज्म। तो अगर ये कंसेप्ट मुझे कॉम्प्लेक्स बुक में मिलता है, तो जो कंसेप्ट मुझे बेसिक स्टडी में नहीं समझाता, तो इट बिकम द वेरी इजी बाय स्टडी द कॉम्प्लेक्स और बाय स्टडी द रेफरेंस बुक ऑल्सो। तो हमारे लिए रेफरेंस बुक वही काम करते हैं जो कंसेप्ट हमें एनसीईआरटी बुक्स में नीड टू हैव टू बी एक्सप्लोर, ज्यादा समझने की जरूरत थी, या वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाता है एनसीईआरटी के बाद अगर आप एक कॉम्प्लेक्स बुक को रिफर करना चाहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बुक्स हमारे लिए रेफरेंस बुक भी हो सकते हैं। अगर रेफरेंस बुक को आप कंप्लीट कर लेते तो डेफिनेटली वी विल बी गोइंग टू एक्सप्लोर एक्चुअली जो क्वेश्चंस आपको नीड एग्जाम्स में आते हैं, तो ये एग्जाम का पैटर्न कौन सा होता है। तो डेफिनेटली ये रेफरेंस बुक हमारे लिए गाइड की तरह काम करता है। तो हर एक चैप्टर्स में आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरह से आए थे, हमें ये भी दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किस सेक्शंस में हो सकते हैं, तो ये रेफरेंस बुक डेफिनेटली वर्कआउट कर सकता है। तो ये एनसीईआरटी तो बुक्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, एट द सेम टाइम 50% तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 50% क्वेश्चंस होंगे वो आपको रेफरेंस बुक से होंगे। अगर हमें टॉपर करना है, अच्छे अंक लाने, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है रेफरेंस बुक को भी उसी तरह से इंपॉर्टेंस दे देना। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ अ रेफरेंस बुक, आप रेफरेंस बुक जरा देख लो। जिस तरह से हमने फैक्टर दिए कि बुक सिलेक्शन के ऊपर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, नेक्स्ट फैक्टर हमने यही भी चूज कर दिया कि हमारे लिए एग्जाम का पैटर्न हो, एग्जाम के पैटर्न से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हो, हर चैप्टर के बाद हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए इस तरह के एमसीक्यू इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स डेफिनेटली, लेकिन ये उसका बहुत एक्सटेंसिव दिया जाता है, दे आर नॉट कंसिडर दी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो उनका ये डिजाइन जो है ओनली बोर्ड एग्जाम के हिसाब से दिया हुआ, लेकिन जो रेफरेंस बुक हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने जा रहे हैं, तो उनका डिजाइन अकॉर्डिंग टू हमारे नीट एग्जाम से दिया हुआ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हो ना, तो ये दोनों का कंबाइन करके हमें जो हासिल करना है डेफिनेटली नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते। तो वन बाय वन हम ये बुक्स देखेंगे। तो अगर आपका एनसीईआरटी का बुक्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप के लिए मूव करना है, तो भी आप इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट बुक आता है हमारे लिए ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ये डीट वॉल्यूम नंबर 1 और 2 आता है। यह थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स बुक है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ कंसेप्ट मेंशन की है, फॉर एग्जांपल प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में या प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, कंपैरेटिवली हम कहेंगे दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और एक बुक की खासियत ये है, इट इज बेस्ट ऑन दी यानी नीट जो हमारे लिए एग्जाम का पैटर्न है, इस एग्जाम के पैटर्न से उसमें अच्छी तरह से उनको समझाया है, और एक टॉपिक के बाद आपको समझ में आता है कि इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपका ये सेकंड प्रेफरेंस, यू कैन गो फॉर द टू मेंस ऑब्जेक्टिव नंबर 1 या वॉल्यूम नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी दिनेश, इट इज अवेलेबल इन द 4 सेक्शंस, यहाँ पे आपको टोटली 4 वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम जो आपको चैप्टर जिस हिसाब से दिया हुआ है, उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशंस किया, लेकिन जो लास्ट पार्ट है आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उनका एनालिसिस दिया, दो इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन। जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए ये रेफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो भी आप इस दिनेश बुक को प्रिफर कर लो, बिकॉज इट इज द
टोटल इक्वेशंस आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे, तो एक प्रैक्टिस सेशन के लिए रेगुलर रीड करने के लिए ये बुक भी वन ऑफ द मोस्ट रेफरेंस बुक होगा। नेक्स्ट हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय अंसारी, ये जो बुक्स है यू कैन बी रेफर फॉर द वॉल्यूम 1 आल्सो एट द सेम टाइम वॉल्यूम 2 आल्सो, लेकिन कंपैरेटिवली वॉल्यूम 2 से मैं रेफर करता हूं बॉटनी के लिए, ये बुक अच्छी तरह से उन्होंने मेंशन किया हो, यू कैन गो फॉर द बॉटनी के रेफरेंस के लिए ये बुक जरूर आप प्रिपेयर कर लो एज कम्पेयर विद द जूलॉजी सेक्शन से। नेक्स्ट आता है कि ये प्रदीप गाइड यस एज लाइक द ट्रूमैन गाइड इट हैज द इक्वल स्टेटस आल्सो, इट गिव्स द इक्वल इंपॉर्टेंस आल्सो द रिमेनिंग दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारे लिए नीट एग्जाम के लिए कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं उनका वेटेज हमेशा ज्यादा दिया जाता है, तो इस हिसाब से जिस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया उनका कंटेंट आपको ये दोनों बुक में दोनों सीरीज में सबसे ज्यादा मिलता है। जिस टॉपिक के लिए छोटा सा वेटेज दिया है उस तरह से उन्होंने उनके लिए पेज भी हम कहेंगे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो सम व्हाट एक्सटेंट वी शुड बी अंडरस्टैंड कि हाँ ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए ज्यादा वेटेज देना चाहिए, तो ये प्रदीप गाइड की खासियत आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक होगा ये भाटला पब्लिकेशन का बायोलॉजी का बुक्स है, वेरी कंसाइजली दे गिव्स द होल 2 ईयर का प्रोग्राम उन्होंने नीट एग्जाम के लिए दिया, हमें देख के अच्छा लगता है कि चलो ये एक छोटा सा बुक है हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो कंसेप्ट है इट इज द कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है दे ट्राई देयर बेस्ट वे टू बी एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे, लेकिन कुछ कंसेप्ट भी उन्होंने मेंशन किया, हर एक कंसेप्ट को समझना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगेन आई प्रीफेयर दिस बुक ओनली एज अ रेफरेंस बुक। आपके अगर बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा माइलेज लेना है तो ही यू गो फॉर दी ये जीआर भाटला पब्लिकेशन के लिए आप मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है, ये एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स नाम ही उन्होंने दिया है कि जिस तरह से एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर जो नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल है अरिहंत पब्लिकेशन का है एमटीजी पब्लिकेशन का है, लेकिन कंपैरेटिवली एनसीईआरटी बेस्ट एमसीक्यू का बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको ये एमटीजी बुक्स में मिल सकता है, तो एक बार थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर दो परचेस करने के पहले, हमारे लिए एनसीईआरटी की बुक्स इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बुक में उन्होंने अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर उतने ही बुक्स इंपॉर्टेंस है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम मार्केट में चले जाएंगे ना तो आपको ये सबरवाल का मॉडर्न पब्लिकेशन पब्लिक शेयर का भी बुक्स मिलेगा, एट द सेम टाइम ये आर्यन पब्लिकेशन का सुधाकर बैनर्जी का बुक भी अवेलेबल है, ये टारगेट पब्लिकेशन का बुक्स भी अवेलेबल है और ये वेणु गोपाल का ही बुक द लिस्ट इज गोइंग टू अन एंडिंग। तो लेकिन अपने हिसाब से अगर आप बुक्स चले जाते हो या ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो एक बार पूरा उसका फैक्टर देखो, या हमें कोई बीएसडी नहीं चाहिए, हमें ये क्रैक करना है एनईटी की एग्जाम, तो बुक को मद्देनजर रखते हुए जो बुक्स में हमारे बेसिक कंसेप्ट और भी गहरे हो जाते हैं एट द सेम टाइम बेसिक कंसेप्ट समझते समझते हर एक बुक्स में कुछ मुझे नया मिलता है, कुछ नया एमसीक्यू होता है जो क्वेश्चंस या जो भी उसके अलाइड रिलेटेड सब क्वेश्चंस होगा क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में आने की ज्यादा संभावना होती है, यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ द बुक। तो ये बुक्स ऑप्शनल बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंस नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, एटलीस्ट 1-3 बुक्स हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंस होते हैं, अगर 2 बुक्स हो गए 3 बुक्स रेफरेंस हो गए तो उनका रिविजन और रिविजन प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो यह एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है कि बुक्स को ज्यादा से ज्यादा 1-2 या मैक्सिमम 3 बुक आपके कबर में होनी चाहिए, लेकिन ये बुक्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उनका रिविजन्स होना उनके ऊपर प्रैक्टिस करना उनको रिकलेक्ट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो अगर ये होने के बाद ही आप बाकी बुक्स के लिए प्रीफर कर सकते हो, तो दे एक स्ट्रैटेजी हमने यहीं पे मेंशन की। तो आपको फर्स्ट टाइम ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैंने क्वेश्चंस दिया था कि एक्सलेंट बुक्स कौन से, तो डेफिनेटली एक्सलेंट बुक तो एनसीईआरटी के जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम 50% क्वेश्चंस आपको अदर रेफरेंस बुक से भी आते हैं, तो एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हमें रेफरेंस बुक को प्रिपेयर करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक एग्जाम में 10% क्वेश्चन जो होते हैं वी फील दिस क्वेश्चंस आर द आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, और 80-90% क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशंस किए होते हैं,
तो ये 10 क्वेश्चंस के लिए यू विल गोइंग टू हैव अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मे बी यू विल गोइंग टू हैव द वन बुक सोर्स, टू बुक सोर्स और थ्री बुक सोर्स. तो टाइम मैनेजमेंट प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एट द सेम टाइम व्हाइल आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ही टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है. अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी बोर्ड की एग्जाम या बाकी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये पूरे फैक्टर कंसिडर करके आपको एनसीईआरटी को सबसे एक्सेलेंट बुक कहना चाहिए. और गुड अगर आप बुक कहेंगे तो जो मैंने एटलीस्ट 5 बुक्स रेफरेंस किए हुए उसमें यू कैन गो फॉर द टू वन और एट द एंड यू कैन गो फॉर द एमटीजी क्वेश्चन. तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, मुझे पूरी उम्मीद है ये छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको बुक सिलेक्शन करने के लिए जरूर काम आएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव विद. वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर.